नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डेली एमसीक्यूज की इस सीरीज में आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं ये पॉलिटी, और पॉलिटी में भी जो हम बात करने वाले हैं वो मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटी में भी, तो पॉलिटी में आज का जो हमारा सीरीज है ये संवैधानिक निकाय से है। इससे पहले ऑलरेडी हम दो क्लासेस हम अपनी देख चुके हैं। पहला जो हमारी क्लासेस थी वो महत्वपूर्ण अनुसूचियां संविधान संशोधन से हमने देखे थे, और दूसरी जो हमारी क्लास रही है वह स्थानीय निकाय से रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सेशन आपने लिए अटेम्प्ट किया होगा। और आज जो ये हमारी थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में हम बात करने वाले हैं संवैधानिक निकाय की। ये जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है बेसिकली 30 डेज तक 90 क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसमें से खास बात क्या होगी कि ये डेली टॉपिक वाइज आपको एक एक पूरा जो एक क्लास होगा ये एक टॉपिक पे बेस्ड होगा। जैसे कि अभी जो हम यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं ये संवैधानिक निकाय से है, ठीक। अगर मैं बात करूँ संवैधानिक निकाय की, तो अगर ये संवैधानिक निकाय की क्लास है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उनसे जरूरी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने रहा आज का ये पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है आप जरा देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित, पहला प्रश्न आपसे है, एक बार मैं पेन सही कर लेता हूं, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, इसीलिए मैंने राउंड सर्किल कर लिया है। ऑप्शन आपके सामने है कि वित्त आयोग का गठन एक कॉलेजियम द्वारा किया जाता है, वित्त आयोग का उल्लेख उल्लेख भाग 12 और आर्टिकल 280 में किया गया है। तीसरा कहता है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघयोम राज्यों के बीच प्राप्त करों को कैसे वितरित किया जाए इसका सुझाव देना है। फोर्थ ऑप्शन आपसे कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिश बाध्यकारी प्रकृति की है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए ये चार ऑप्शन को अगर मैं अभी बता ही दूं एक मिनट, एक एग्जांपल के तौर पे, कहा जाता है कि वित्त आयोग का गठन एक कॉलेजियम द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत है। कैसे किया जाता है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। वित्त आयोग का उल्लेख भाग 12 अनुच्छेद 280 में किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों का वितरण कैसे किया जाए इसके लिए सुझाव देना, ये भी ठीक है। और अगर मैं चौथे की बात करूँ तो वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं, तो ये गलत है। आपका जो राइट ऑप्शन है 2 और 3, अगर मैं बात करूं 2 और 3 की तो ऑप्शन डी, ठीक। क्या इतने क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो क्या आपका सारा वित्त आयोग कवर हो गया है? जी नहीं। और जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ आपसे अनुभाग 12 या पूछ ले कि अनुच्छेद 280 के तहत क्या कहा गया है। जरूरी है कि आप पूरा का पूरा वित्त आयोग जाने, और पूरा का पूरा वित्त आयोग जानने के लिए आइए एक बार हम वित्त आयोग पर नजर डाल लेते हैं। अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं, अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं तो वित्त आयोग में कि अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं तो सबसे पहले आपने देखा कि भाग 12 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक। वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल 5 वर्ष के अंतराल पर करता है। वित्त आयोग के अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो इनके एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजों की भांति है हटाने की प्रक्रिया, ठीक। इसके बाद में वित्त आयोग के अगर मैं कार्य की बात करूं तो वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य
कर का बंटवारा कैसे किया जाए इसको लेकर सुझाव देना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय तथा इसको जो शक्ति मिली है वो अर्ध न्यायिक शक्ति है। अर्ध न्यायिक शक्ति की है और इसकी जो सिफारिशें हैं वो सलाहकारी है, सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर वित्त आयोग अपनी किसी भी सिफारिश को राज्य सरकार या केंद्र राज्य सरकार अगर है तो वो राज्य वित्त आयोग का काम है, राज्य वित्त आयोग करता है। और अगर मैं केंद्र की बात करूं केंद्र वित्त केंद्र को लेकर के, तो केंद्र को कैसा सुझाव दिया जाए ये केंद्र वित्त आयोग वित्त आयोग का कार्य है। वित्त आयोग अपनी किसी भी सिफारिशों को राष्ट्रपति को देता है और अगर राष्ट्रपति अगर कोई अन्य सुझाव भी वित्त आयोग से अपेक्षा रखता है तो वित्त आयोग उन अन्य सुझाव भी देने का कार्य करता है। हालांकि जो वित्त आयोग का सुझाव है वह सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है, वह एक सलाहकारी है, सलाह के तौर पर देता है, लेकिन सरकारें सामान्यतः उनके सलाहों को एक्सेप्ट करती हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वर्तमान में बात करूँ तो अभी जो वित्त आयोग चल रहा है ये पंद्रहवां वित्त आयोग है और पंद्रहवां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये N.K. सिंह है। अभी हालांकि 15वें वित्त आयोग ने जो अपना सुझाव दिया है ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इन्होंने अपना जो सुझाव दिया है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो कर का बंटवारा है उसको इन्होंने कहा है 41%, ठीक 41%। इससे पहले अगर मैं बात करूं 14वें वित्त आयोग की तो 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो YB रेड्डी साहब थे और रेड्डी साहब ने जो सुझाव दिया था वो 42% का दिया था, लेकिन एनके सिंह साहब ने 1% को कम कर दिया है और जो 1% है इसे अलग से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से देने का प्रोविजन पे सुझाव दिया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नहीं वित्त आयोग से संबंधित, उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के वनडे या सिविल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें बहुत हैं आपके लिए, तो इन चीज़ों को एक बार देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके वित्त आयोग कवर हो जाएगा। हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, ऑप्शन है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ठीक। थोड़ा सा एक बार हम अन्य ऑप्शंस पे भी अगर ध्यान दें तो 8 वर्ष की जो आयु है ये यूपी के लोकायुक्त की है, ठीक, ये क्या है हम आगे बात करेंगे। 6 और अगर मैं 62 की बात करूं तो ये यूपी के, अगर मैं बात करूं पीसीएस, यूपी पीसीएस के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 5 या 70 तो ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का है। सो आपका ऑप्शन है पहला 6 और 65 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब एक नजर हम डालते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर, ठीक। देखिए अम्बेडकर साहब ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और ये एक मोस्ट वैल्यूबल पोस्ट मानते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में।
अगर मैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करूं तो सामान्यतः यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आर्टिकल, और आर्टिकल है आपका 148। ठीक, आर्टिकल 148 के तहत भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखक लेखा परीक्षक की अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है हटाने की प्रक्रिया सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति है। ठीक, इनका अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो आपने देखा इनका कार्यकाल 6 वर्ष की आयु, मतलब 6 वर्ष तक ये अपने कार्य पद पर रह सकते हैं या जब तक इनकी उम्र 65 वर्ष ना हो जाए। ठीक, इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कार्य कि कैग का कार्य क्या है। कैग बेसिकली काम क्या करती है? कैग का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इसके शब्द से ही उल्लेख हो जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, महालेखा मतलब ये अकाउंटिंग का काम करती है। अकाउंटिंग में किसका? भारत में 3 निधियां हैं। अगर मैं उन 3 निधियों की बात करूं तो भारत की जो 3 निधियां हैं उन तीनों निधियों में सबसे पहली जो आपकी निधि आप देखते हैं वो है आपकी संचित निधि। संचित लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। अगर मैं संचित निधि की बात करूं तो आर्टिकल 266 क्लॉज 1, 266 क्लॉज 2 और 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। ये तीनों क्या है, हम जब अपने संसद पाठ को कवर करेंगे तो वहां हम देख लेंगे कि संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि क्या होता है। इन तीनों की रिपोर्टों को ठीक कमीशन क्या करता है कि संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि की जो भी इनके खर्चों के रिपोर्ट होते हैं कैग उसको देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखता है किस कहां? संसद के पटल पर। और संसद में एक आपने सुना ही होगा एक समिति है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करती है और जांच करने के बाद में यह बताती है कि यहां पे कितनी नियमितताओं का ध्यान रखा गया है या फिर भ्रष्टाचार हुआ है या कि नहीं हुआ है, या जिन मदों में पैसों को लिए दिया गया था उन मदों में इनका प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। सो इन सारे चीज़ों को देखने का काम जो है वह कैग करता है। एक चीज़ें थोड़ा सा देख लेते कि लोकलेखा समिति क्या है। बेसिकली लोकलेखा समिति एक संसदीय समिति है, और संसद में अगर आप समितियों की मैं बात करूं तो संसद में 2 प्रकार की समितियों का उल्लेख किया गया है, एक है तदर्थ समिति और एक है स्थायी समिति। स्थायी समिति का मतलब यह होता है कि जैसे लोकलेखा समिति है, प्रकलन समिति है, इसके बाद में सार्वजनिक निकाय के लिए जो मेंटेनेंस को देखती है उनके कार्यों को निगरानी रखती है वैसी भी एक समिति है। तो जो तदर्थ समितियां होती हैं वो आवश्यकता पड़ने पर उनका गठन किया जाता है, और जब वो उन कार्यों को निस्तारण कर लेती हैं तो उन समितियों को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी समितियां तदर्थ समितियां होती हैं। लेकिन लोकलेखा समिति एक तदर्थ समिति नहीं है, यह एक पूर्णकालिक है। और सबसे बड़ी खास बात है कि लोकलेखा समिति में अगर मैं बात करूं तो ये लोकसभा की समिति होती है और इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक, साथ ही साथ में इसका जो अध्यक्ष होता है ये विपक्ष से होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी सदस्य मंत्री परिषद का नहीं होता है। तो इतनी चीजें आपने देख लिया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होते हैं, उनका कार्य क्या है, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उनके कार्य कैसे हैं, उनका हटाने की प्रक्रिया व उनका कार्यकाल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से यहाँ से क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाने चाहिए और आपके एग्जाम्स में भी आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है
कि निर्वाचन आयोग के संबंध में कथनों का चयन करें, ठीक है। क्या कहता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार द्वारा गठित 8 सदस्यीय टीम के सुझाव के आधार पर किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि यह एक अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र तथा राज्य के लिए चुनाव संबंधित दिशा निर्देशों का कार्य करती है, ठीक है। देखिए, अगर मैं निर्वाचन आयोग के गठन की बात करूं तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो किसी भी प्रकार की सदस्यों के गठन के आधार पर नहीं किया जाता है, उसका गठन राष्ट्रपति करता है और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक कॉमन सी मैं आपको बात बता दूं जो ये आपको समझना चाहिए कि जितने भी संवैधानिक संस्था है और जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सबकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करता है, किसी भी प्रकार के कॉलेजियम या किसी प्रकार के सदस्य या टीम के द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन जितने भी गैर संवैधानिक निकाय हैं उनके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीधे नहीं करता बल्कि कॉलेजियम के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं असंवैधानिक, हाँ जितने भी असंवैधानिक निकाय, असंवैधानिक कहना उतना बेहतर नहीं होगा, मतलब गैर संवैधानिक निकाय या यूं एक तरीके से मैं बात करूं कि जिन्हें अधिनियम के माध्यम से बाद में स्टेबल किया गया है या जैसे कि आपका नीति आयोग हो गया, तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी निकाय हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान प्रॉपर में नहीं किया गया है, वो संवैधानिक निकायों के बाहर रखे जाते हैं। तो उनकी जब हम उन निकायों की बात करेंगे या उन संस्थाओं के अध्यक्ष सदस्यों की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी नियुक्तियाँ कैसे होती हैं। अगर मैं इस प्रश्न पर बात करूँ तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही हो गया क्योंकि मैंने बताया कि निर्वाचन आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यह अखिल भारतीय संस्था है, हाँ ठीक है, या एक अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र एवं राज्यों के मध्य चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के लिए कार्य करती है, तो ठीक है, आपका पहला गलत है दूसरा सही है, तो पहला गलत और दूसरा सही, ठीक। वहीं पर अगर एक बार हम निर्वाचन आयोग पर ध्यान दें तो बेसिकली अगर निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है भाग 15 आर्टिकल 324 में किया गया है, अगर मैं बात करूं भाग 15 आर्टिकल 324 नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति है तथा इनके वेतन और भत्ते, इनका वेतन और भत्ता भी सुप्रीम कोर्ट के जज की भांति है, ठीक। इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग की तो निर्वाचन आयोग के अगर मैं सदस्यों की बात करूं तो निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये वर्तमान स्थिति है, ठीक। हाँ अच्छा, एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां बताना भूल गया, वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये गिरीशचंद मुर्मू, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली मेरे दिमाग से मिस कर गया था, और जो गिरीशचंद मुर्मू है ये प्रेजेंट टाइम पे 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं निर्वाचन आयोग की तो निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं और इनके नियुक्ति राष्ट्रपति करता, हटाने जाने की भी प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के भांति है, और इनका वेतन भत्ता और इनकी जो हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के भांति की जाती है। इसके साथ ही साथ में अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल 6/65, वही 6 वर्ष की आयु तक और 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं। अगर मैं इनके अध्यक्ष की बात करूं, इनके जो अभी रिसेंटली में अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं राजीव कुमार को, और ये कब बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं 15 मई 2022, अभी ये 4 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो 4 दिन पहले राजीव कुमार को निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा बिकॉज इनको चेंज किया जा चुका है,
अब एक सबसे इम्पोर्टेंट काम बचता है कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। अगर एक बार हम निर्वाचन आयोग का कार्य देख लें तो हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करूँ तो सबसे पहले है कि ये दलों को मान्यता प्राप्त करते हैं, दलों को मान्यता प्रदान करने का काम करते हैं, साथ ही साथ में मतदाता मतदाता पत्रावली का निर्माण करने का भी काम है, चुनाव के समय आचार संहिता को भी जनरेट करने का काम है, साथ ही साथ में अगर योग्यता संबंधी विवाद है तो राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देने का भी कार्य करता है निर्वाचन आयोग, ठीक। देखिए निर्वाचन आयोग और भी बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया है ये निर्वाचन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। सो एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा, मैं मिनिमाइज करके आपके डिस्प्ले पे कर रहा हूँ, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से चीज़ें कवर हो गई होंगी, ठीक है। थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंटली हो सकता है कि आपके एग्जाम में टपक जाए ये जो मैं अराउंड कर रहा हूँ ये चीज़ें। मैं जूम भी कर रहा हूँ एक बार, जिससे कि आपका ध्यान थोड़ा जा सके। राजीव कुमार को भी बनाया गया है 15 मई 2022 को, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले जो थे उन्हें चेंज किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सही विकल्पों का चयन करें। संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 और अनुच्छेद 315 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष व 62 वर्ष की आयु तक है, ठीक। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति व बर्खास्त दोनों राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानसभा के आग्रह पर संसद अधिनियम पारित करके करती है, ठीक। ये आपका एक क्वेश्चन है और आपको इसका सही जवाब देना है। देखिए अगर मैं संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं तो संघ लोक सेवा आयोग में बेसिकली आपसे ज़्यादा कभी कुछ नहीं पूछा जाता। संघ लोक सेवा आयोग में सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे इनके अध्यक्ष कौन है या इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सी है, ठीक। तो अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 324 है। 324 में, अच्छा मैं लिख देता हूं, पहले इस पे मैं बात करता हूं तो ये आपका सही है। 315 में किया गया है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का उल्लेख आर्टिकल 315 में किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही मैं अगर बात करूं कार्यकाल में तो कार्यकाल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर मैं वहीं पे बात करूं संघ लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी की, और अगर मैं बात करूं वहीं पे पीसीएस की, ठीक, तो यूपीएससी का जो आपको कार्यकाल देखने को मिलता है ये 6/65 देखने को मिलता है, और संघ और राज्य में अगर मैं बात करूं तो राज्य में आपको 6/62 देखने को मिलता है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे नियुक्ति और बर्खास्त दोनों राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है और बर्खास्त राष्ट्रपति करता है, ठीक। अगर मैं इनके सदस्यों की बात करूं तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट टाइम पे जो इनके सदस्य हैं, इनके सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं तो मनोज सोनी साहब हैं, अभी रिसेंटली इन्हें भी अपॉइंट किया गया है। सो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मनोज सोनी, और अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो संजय श्रीनेत इसके अध्यक्ष हैं।
अभी ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा मनोज सोनी वाला, क्योंकि मनोज सोनी साहब को अभी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। सो इतनी चीजें आप जानेंगे ना तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो 662 हो गया, और आपके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और बर्खास्त की दोनों राष्ट्रपति करता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा वाले केस में आप देखेंगे। साथ ही में अगर मैं इनके आयोग व आयोग के गठन की बात करूं, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन विधानसभा द्वारा आगरा पर संसद अधिनियम द्वारा करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है डी, मतलब सारे कथन आपके सही हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 89वें संविधान संशोधन 2003 में अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक किया गया, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 89वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया, इससे पहले इन दोनों के लिए एक कॉमन था, मतलब इससे पहले इन आयोगों का जो उल्लेख किया गया था वो कॉमन तौर पे था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2003 में इनको पृथक कर दिया गया। यहां आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है कि दोनों आयोगों को कब अलग किया गया, पहली चीज ये, और इनके सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, और इनका कार्यकाल कितने का होता है। बस इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ठीक है। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, ठीक है, तो इतनी चीजें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आई होंगी। ये सारे संवैधानिक निकाय थे जो कि हमने देखा है। अगर मैं गैर संवैधानिक निकायों की बात करूं तो वो सारे टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितना चीज़ें मैंने अभी आपसे बात किया है, डिस्कशन किया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।